नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम फोरा अर्थात बॉयल्स को ठीक करने की चार होम्योपैथिक दवा के बारे में समझेंगे कि कौन सी दवा पहले और कौन सी बाद में दी जानी चाहिए। तो आइए समझते हैं। फोरा बनने में पहले सूजन होती है, फोरा लाल लाल होता है, बुखार भी आ जाता है। यह फोरे की प्रथम अवस्था है। इसमें बेलाडोना काम आता है जो मुख्य तौर पर सूजन की अवस्था की दवा है। ऐसे में आप पहले बेलाडोना 30 दें दिन में 3 से 4 बार ताकि सूजन वहीं ठीक हो जाए। अगर आपने बेलाडोना नहीं दिया तो 3 अवस्था आ सकती है, या तो सूजन के बाद फोड़ा पकने लगता है, या वह सूख जाता है, या उसमें पस पड़ जाती है। फोड़े में जितनी पस पड़ेगी उतना ही मर्क सॉल का क्षेत्र अधिक समझना चाहिए। पस पड़ने के बाद मर्क सॉल का प्रयोग होता है। जब फोड़े में सूजन बढ़ना समाप्त होकर पूरी सूजन आ जाने के बाद उसमें पस पड़नी शुरू हो जाती है तब मर्क सॉल का प्रयोग करना चाहिए। मर्क पस बनने को नहीं रोकता, रोकने के बजाय पस बनने में सहायता देता है। इसलिए इसका प्रयोग तब करना चाहिए जब पस बनना शुरू हो जाए। ध्यान रखिएगा, मर्क सॉल से पहले और बेलाडोना के बाद जब पस बनना अभी शुरू ही हुआ है तब हीपर सल्फ का क्षेत्र है। उस समय अगर उच्च शक्ति का हीपर या तो पस को सुखा देगा या फोड़े को पका देगा। अगर जीवनी शक्ति फोड़े को सुखा सकेगी तो वह सुखा देगी, अगर सुखा नहीं सकेगी तो पका देगी। जब फोड़े में पस पड़ जाए तब मर्क सॉल का क्षेत्र है, जैसा अभी हमने चर्चा किया था। जब मर्क सॉल अपना काम कर चुके, फोड़े में पस पड़ जाए और ठीक होने में देर लगे तब साइलिसिया फोड़े में से पस निकालकर उसे ठीक होने में सहायता देता है। अर्थात इस दृष्टि से बेलाडोना, हीपर, मर्क और साइलिसिया इस क्रम के लक्षणानुसार औषधि ही दी जाती है। इन सबको देना आवश्यक नहीं है, परंतु क्रम निम्न प्रकार से ही है, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देना है? बेलाडोना। जब फोड़े में सूजन हो, बुखार हो, अभी पस नहीं पड़ा तो बेलाडोना 30 की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। बेलाडोना 30 का प्रयोग नहीं किए और जब फोड़े में पस पड़ने के आसार प्रकट होने लगे तब हीपर सल्फ 30 की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार या फिर हीपर सल्फर 200 की 2 बूंद दिन में 2 बार। हीपर सल्फर का प्रयोग नहीं किए और जब फोड़े में पस पड़ जाए तब मर्क सॉल्ट 30 की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार देना है। और जब पस पड़ने के बाद उसके ठीक होने में देर लगे तब साइलिसिया 30 की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। ऐसे क्रम में देने से फोरे पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाता है। यह समझ लें कि मर्क्यूरियस के पीछे साइलिसिया नहीं देना चाहिए। इसका कारण यह है कि मर्क का काम फोरे को पकाना होता है। जितनी पस बननी है वह बन जाए, यह मर्क का काम होता है। साइलिसिया का काम तो पस निकल जाने के बाद घाव को भरना होता है। अगर जब मर्क पस को बना रहा है तब साइलिसिया दे दिया जाए तो परस्पर विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। मर्क तो पस को बना रहा है और साइलिसिया घाव को भर रहा है, इसलिए कहा जाता है कि मर्क के पीछे तत्काल साइलिसिया नहीं देना चाहिए। अगर मर्क का काम समाप्त हो जाए, फोरे में पस पूरी तरह बन चुके और हीपर से या किसी और वजह से पस निकल जाए और घाव भरने में देर हो रही हो तब मर्क के बाद घाव को भरने के लिए साइलिसिया देने से लाभ मिलता है। आशा है फोरे के लक्षण में आप बेलाडोना, हीपर, मर्क सॉल और साइलिसिया के क्रम को समझ गए होंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो, या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।